भगवद्गीता चैप्टर थ्री कर्मयोग श्लोक 11 टू 20 देवान भाव यदानेन ते देवा भाव यंतु वा परम परस्परं भाव्यंता श्रेया परम वाप्सिता इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते हि च भाविता तेरे दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्ते एव स ये च सुश्रा सिन्हा सन्तो मुच्यन्ते सर्व कल्पेषे मुञ्चते ते तो घं पापा ये पचन्ते आतं कारणात् अनाथ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्जा भवति पर्जन्यो यज्ज कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्या नित्यं यज्जे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ते इति हय अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पाठ स जीवति यस्वात्मर्तिरेव सदात्मतृपश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जङ्गादय लोकसंग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तु मर्हसि। अब इन श्लोकों में 11 टू 20 में पहले बताया गया है कि सिर्फ खुद के लिए ही नहीं जीना चाहिए, हमें जब हम भोजन बनाते हैं तो मनुष्य ही भोजन बनाया करते हैं, पेड़ बनाते हैं उसके बाद मनुष्य ही भोजन बनाया करते हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। जो सबके लिए जीता है उसी का वास्तविक जीना होता है। वैसे भी हम देखते हैं कि अगर हम अकेले बहुत कोई अच्छी चीज़ है बहुत सारा भी खा ले तो फिर भी हमें लगता है कि नहीं हुआ कुछ, और अगर वही हम सबके साथ बांट कर खाते तो हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन एक हो जाता है। फिर कहते हैं कि अन्न से ही सारे जीवों के हमारे शरीरों की उत्पत्ति होती है, फिर इसी से ये शरीर चलता भी है, ये वर्षा से होते वर्षा यज्ञ से होते हैं, मतलब कि जो ब्रह्म है वो कार्यों में है,